और हम हैं बिहार के जमुई ज़िले के मोहनपुर ग्राम पंचायत में, लक्ष्मीपुर प्रखंड कहलाता है, और हम हैं वार्ड क्रमांक 14 में। और काफ़ी जगह पे विज़िट करने के बाद में तो कई लोगों की शिकायतें बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन कुछ तो हमारे मन में भी डाउट रहता है कि चलो आप आए हैं उनकी तरफ से, प्रत्याशी की तरफ से हैं, तो हम कुछ बात कर लेते हैं। बात है आवास की, कितने लोगों को पिछले 5 साल में आवास दिया गया? यहाँ पे जितने भी गरीब किसान हैं करीब करीब आवास मिला है और सबका अभी सूची में है, जिसका इसका फिर सूची है वो आने वाला समय में फिर मिलेगा उनको। अच्छा, क्या स्थिति है शौचालय की यहाँ पर? शौचालय की स्थिति बहुत अच्छा है, घर घर शौचालय है, और जहाँ घर घर शौचालय है जी बने हुए हैं। जी बना हुआ है, घर घर शौचालय बने हुए हैं, घर घर बने हुए। जी जी जी, शौचालय घर घर बने हुए हैं। मतलब पूरे ग्राम पंचायत में या सिर्फ 14? नहीं, पूरे पूरे पंचायत में, पूरे हमने मोहनपुर पंचायत में 17 वार्ड है। आप क्या बोल रहे हैं? बोले 50% बना है। 50 आप सर्वे कर लीजिए कितने घरों में बना है। अरे जो सक्षम है बनाने लायक वही बना सकते हैं। अच्छा, नहीं, सरकार क्या बने, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला, जिसमें कि कुछ लोगों को मिला है, हाँ, लोगों को नहीं मिला। 2000 रुपया कमीशन खाते हैं ये लोग बिचौलिया सब, समझे ना सर। आप बैठिए, आप बताइए, भाई साहब बोल रहे हैं 2000 रुपए का कमीशन घूस होती है, क्या है, कितनी सच्चाई ये तो, है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, अगर लेने वाला लिया होगा तो हम बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम तो नहीं जानते, हम तो मेरा शौचालय आया तो हमें 12000 रुपए मिला, उसमें कोई बिचौलिया हमसे पैसा नहीं लिया है। अच्छा, आपसे पैसे नहीं लिए हैं? देखिए, इसमें मुखिया का कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ग्राम पंचायत राज मोहनपुर का जो मुखिया है सीमा देवी, शौचालय में कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्ट ब्लॉक से काम होता है, और उसका विभाग भी है, उसका सरकार बहाली भी करके रखा है। अगर कोई जान के वहाँ पैसा दे तो उनका मूर्खता है। सरकार जब हमको 12000 रुपया मुहैया करवा रहा है, फ्लॉप है, समझे ना आप। नल जल का सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत कुमार जी, आप क्या करते हैं? जी अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं? या नहीं, कॉलेज से मैं अभी मतलब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कहाँ, कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं 14 नंबर वार्ड में। आप 14 नंबर वार्ड का आप सर्वे कर लीजिए, एक भी नल में यदि जल आता हो तो फिर क्या बात हो, फिर सीमा देवी क्या कोई भी देवी पास हो जाए। आप मुझे बताइए, पिछले सरकार जो 5 साल से मुखिया पे प्रधान के तौर पे जो सेवाएं दे रहे, जैसे आप बता रहे सीमा देवी, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। अच्छा, वो बता रहे हैं उनके जो प्रत्याशी आए हुए साथ में, उन्होंने बताया कि हमने आवास दिया है, घर घर शौचालय की व्यवस्था की है, और जल नल और बाकी व्यवस्था है। जल नल की व्यवस्था? जी जी, जल नल की व्यवस्था है। जल नल की व्यवस्था देखिए, आप घर के सामने, किसी के घर के सामने जाइए, एकागो नल पता चल जाए जिसमे की पानी आता हो, आप साथ में चलिए, हम साथ में आपको दिखाते हैं। अच्छा, हाँ, पानी की जल नल की व्यवस्था नहीं? मेरा वार्ड में तो एक बूंद भी नहीं पानी गिरा होगा। अब देख, पानी नहीं आ रहा है, भाई साहब बताइए, बोल रहे एक बूंद पानी नहीं गिरा, आप बोल रहे जल नल की व्यवस्था। मेरा वार्ड संख्या 12 है। अच्छा, आपके 12 वार्ड संख्या? जी, तो 12 वार्ड में मेरा जल नल का बिल्कुल। हम पूरे पंचायत की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वार्ड ही नहीं, हम चाहते पूरे पंचायत को लेकर काम करें। एक प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो पूरे पंचायत का मुखिया है, प्रधान है, जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे पंचायत के जन नल योजना का जो भी कार्यकाल था, मुखिया और मुखिया अति वार्ड का सचिव करवा रहा था। हो सकता है कहीं की मिस हो, नहीं बनाया हो, तो हम उतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे वार्ड जो 12 नंबर वार्ड है, हाँ, वहाँ पे पानी मिल रहा, 13 नंबर वार्ड में भी पानी मिल रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ने बोला कि घर घर शौचालय बन चुके, आपके घर की क्या स्थिति है? अरे, आपको यदि शौचालय ही देखना है तो सर्वे कर लीजिए सर, चलिए आपको दिखाते हैं किसी का घर में, क्या गो का घर में शौचालय है। इस जगह 10 गो घर है, एकागो घर में बता दीजिए शौचालय है। हम देखते हैं पंचायत में शौचालय, बात करने की दावा ठोकने वाला मुखिया को कहते हैं कि आधा घर में भी शौचालय दिखवा दे, गरीबों के घर में जो सक्षम नहीं था बनाने से पहले, आधा घर में दिखा दे 50%। सरकार दावा करते हैं कि आवास हम आपको दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, है ना, और राशन पानी फ्री में दे रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, इन सब सुविधाओं का आपको? देखिए, आयुष्मान सुविधा जो है, राशन कार्ड, वो सब उपलब्ध है, जो उपलब्ध है वो उपलब्ध है, लेकिन ये शौचालय के दावा नहीं कर सकता कि हम पूरे शौचालय दे दिए हैं। और नल जल का, गली नली का, आप गली नली देखना चाहते हैं गली जाइए, वहाँ पे कादो ही कादो मिलेगा, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। इस गली में देखिएगा तो इतना गड्ढा, ट्रैक्टर पलट जाती है। तो मतलब इस बार क्या मन है, मतलब जो पुरानी से जो परिवर्तन ही संसार का नियम है। अच्छा, मतलब परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या भाई साहब बताएंगे आप? परिवर्तन होना चाहिए,
देखिए परिवर्तन तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर जो पीछे कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट है जनता, वो तो जनता के ऊपर है। एक कोई अगर बोलेगा कि परिवर्तन पूरा जनता के ऊपर है, अगर पूरा जनता चाहेगा तो परिवर्तन बिल्कुल होगा, परिवर्तन होगा जी ना, बिल्कुल। अच्छा, और कुछ लोगों से हमने बात की थी, वहाँ पर बताया गया कि पशु शेड में कितना पैसा आता है, एक पशु शेड के लिए जो बनाया जाता है कितना? पशु शेड के बारे में सर देखिए मुझे कन्फर्म नहीं है कि कितना पैसा आता है, वो तो विभाग ही बता सकता है, क्योंकि हम उस चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आवास के लिए कितना पैसा आता है जनता के लिए, एक व्यक्ति के लिए? एक आवास के लिए शायद 1.5 लाख रुपए आता है। 1.5 लाख रुपए आता है। अच्छा, लोगों के शिकायतें हैं कि उन्हें 1.5 लाख रुपया नहीं मिल पाता है, काफ़ी कुछ लोग बताते हैं कि 50% तक नहीं मिल पाता। हाँ, काफ़ी कितना क्या पैसा? 20,000 रुपया लगभग बिचौलिया खाता है। 20,000 रुपये के आसपास बिचौलिया खाता है। कितने? देखिए सर बिचौलिया अगर खाता है तो गलती हम लोग का जनता का गलती है। हम लोग प्रखंड लेवल पे जाके बात कर सकते हैं कि बिचौलिया को हम क्यों पैसा देंगे। गलती आपकी है, बता रहे हैं कि गलती गलती इसमें ये है, यदि आप बिचौलिया कहने दीजिएगा तो कहेगा आपका नाम नहीं आया, नाम सुनते हैं कि नाम हटवा देता है, ये सारा आप लेने लायक नहीं है तो देने लायक नहीं है, ये सारा सिस्टम है। अगर पैसा आपका लटका देगा, इसलिए गरीब लोग जो है ना डर से पैसा देता है कि कुछ पैसे आ जाए हम कुछ सहायता से घर बना सकते हैं। देखो वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, अगर पैसे नहीं देंगे तो वो उनको लिस्ट से नाम भी हटा देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है सर। इस चीज़ के बारे में देखिए हर कोई जानता है कि अगर मेरा नाम लिस्ट में आ चुका है तो किसी को हटाने का पावर नहीं है। अगर कोई पैसा दे रहा तो उनका मूर्खता है, क्योंकि सरकार सारा सुविधा दे के रखी है। आप आगे भी जाके बात कर सकते हैं विभाग से कि बिचौलिया मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। हम बात करते हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी कहाँ रहते हैं आप, कौन से वार्ड में रहते हैं? 14 नंबर वार्ड में। नंबर 14 वार्ड में। चलिए, आपको आवास की सुविधा मिली? हाँ मिली। आवास मिला आपको? घर पक्का हो गया आपका? घर पक्का है? पक्का अभी नहीं है, लिंटर अभी। अभी घर नहीं पक्का? आवास पूरा मिला या आधा अधूरा मिला? कैसे? अधूरा मिला अभी। कितना मिला आपको? मिला है 45 दिन 90,000 मिला। अच्छा अच्छा, शौचालय आपके यहाँ बन गया? नहीं, शौचालय नहीं बना। शौचालय नहीं बना? अच्छा, क्या आपने शौचालय के लिए आवेदन किया? शौचालय के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री की योजना है घर घर शौचालय होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या बताया गया आपको पंचायत की तरफ से? पंचायत की तरफ से अभी कुछ नहीं, बल बोला कि अभी बोला अभी जीतने के बाद होगा। जीतने के बाद होगा। आपके 14 नंबर में सड़कें सब बन चुकी हैं? नहीं, सड़कें अभी भी नहीं बनी हैं। अच्छा, जल नल की क्या व्यवस्था है? जल नल की नल दिया है लेकिन एक दिन भी पानी नहीं आया। अच्छा, जल नल दिया है लेकिन एक दिन भी पानी नहीं आया, क्या कहेंगे भाई साहब आप? एक दिन भी हम तो बोले सर कि मेरा वार्ड नंबर 12 है, वहाँ पे पानी चल रहा है, 13 में भी चल रहा है, 14 का हम कंफर्म नहीं है। अच्छा, हम झूठ क्यों बोलेंगे जी? आप सर कितने मतलब मोहनपुर पंचायत में कितने जगह गए? बहुत घूमे हम, बहुत घूमे हैं सर। मेरे साथ जा सकते हैं आप? बहुत सारी शिकायतें हुई है, हम जा रहे हैं, हम सभी आप जा रहे हैं सर। ये मेरा घर का ही बगल की आस पास आप देख लीजिए सर, इन लोगों के घर में एक इनके यहाँ शौचालय, बाकी बात बता दीजिए सर, किसी के यहाँ शौचालय होगा? किसी के यहाँ नहीं होगा, यहाँ से वहाँ तक घूम जाइए। कौन है जिम्मेदार इसका? इसका जिम्मेवार सर आप किसको बता सकते हैं? आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से सर यहाँ का जो प्रधान है, पहले तो उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में, हर एक घर में, गरीब हो या अमीर, सबके घर में शौचालय होना अनिवार्य है। मतलब गाँव की दुर्गंध जो है दूर होना चाहिए। शौचालय एक इज्जत का घर भी है सर, जो कि गाँव की महिलाएं बाहर जाने से महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा होता है, साथ में छेड़छाड़ की घटना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई नहीं है, मुखिया ऐसा है कि अपने में मस्त है। अच्छा, चलिए बात हुई आवास की, बात हुई शौचालय की, बात हुई आपकी सड़क की जो अभी नहीं बनी है, नल जल की अभी नहीं हुआ, जर्जर है। आप गली गली की बात करते हैं, गली भी देख सकते हैं, नली की बात करते हैं, नली देख सकते हैं, पानी की बात करते हैं, पानी देख सकते हैं, लेकिन इसमें से एक भी 14 नंबर वार्ड बता दे कि एक भी कार्य पूरा किया है, कोई भी चीज़, एक भी काम पूरा नहीं हुआ, जिस तरह से होना चाहिए। हाँ, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। बताइए शिक्षा के स्तर पर यहाँ पर क्या विकास हुआ है? शिक्षा के स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अच्छा, क्या जिस जगह था उस जगह स्कूल के हालत जो है जर्जर है, एक टीचर आते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उससे मतलब नहीं, अपना हाजिरी बनाते हैं चले जाते हैं,
अच्छा, कहीं ऐसा नहीं होता है कि सारी जिम्मेदारी हम टीचर्स के ऊपर ना ढोलते हुए, हम अगर बात करें पे, जो अभिभावक होते हैं, क्या उन्हें भी थोड़ी सी अपने बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। आप अभिभावक सर घर से जो है बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, अब वहाँ पे सर टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो अभिभावक क्या करेंगे सर? टीचर को जो हाथ पैर बांध के तो नहीं रखेंगे कि आप पढ़ाई अनिवार्य है, लेकिन सरकार वेतन देती है, लेकिन सरकार को वेतन मुफ्त में ही खाती है टीचर लोग। एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे और कितने टीचर्स हैं? सर हमारे जो बार्ड में स्कूल है उसमें कम से कम 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे हैं, कितने शिक्षक बच्चे हैं? शिक्षक तो हमें दो दिखाई पड़ता है स्कूल में आने से। अच्छा, दो शिक्षक हैं और 150। एक आते हैं, एक तो पता नहीं वो कब आते हैं कब जाते हैं स्कूल में, यूं ही आते हैं और यूं ही जाते हैं, ऐसा ही होता है। क्या हाल है सर स्वास्थ्य के विषय में आपके पंचायत मोहनपुर? स्वास्थ्य का स्थिति ठीक है यहाँ पे। देखिए अभी कोरोना का वैक्सीन भी मतलब घर घर जाके मतलब सबको बोला गया, सब करीब करीब हो ही गया, हमको लग रहा है कि 99% सबको कोरोना का वैक्सीन भी मिला हुआ है। वैक्सीन हो चुका है? जी जी। मैं बात कर रहा हूँ, आप पंचायत की बात कर रहे थे, 17 वार्ड है यहाँ पर जी। अनुमानित कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे मोहनपुर पंचायत? यहाँ पे मोहनपुर पंचायत में आपका जनसंख्या करीबन वोटर के मायने में 8,500 से 9,000 के बीच में है। 8,500 से 9,000 के बीच में। क्या यहाँ पर कोई सा छोटा सा प्राथमिक अस्पताल है लोगों की सुविधा के लिए? जी नहीं है। अच्छा, इस पर क्या कोई काम किया जाना चाहिए था जो नहीं कर पाए? सर्वे सर बीच में हुआ था। हाँ। सर्वे बीच में हुआ है लेकिन अभी तक उसका मतलब बनाया नहीं गया है। अच्छा, अभी तक बनाया नहीं गया। जी नहीं। चलिए, तो स्वास्थ्य के विषय में क्या आप क्या कौन सा विकास होना किस प्रकार? अरे स्वास्थ्य का विकास कुछ भी नहीं हुआ। स्वास्थ्य विकास नहीं, यहाँ के लोग जो है प्राइवेट में बगल में जिनारा दिखाते हैं, लक्ष्मीपुर दिखाते हैं, यहाँ वैसा स्वास्थ्य की कुछ व्यवस्था ही नहीं है। चलिए भाई साहब हमारे बीच में एक और आए, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुबोध कुमार यादव हुआ। सुबोध कुमार जी, क्या करते हैं आप? वो वर्तमान में अभी हम वार्ड सचिव हैं। नौ नंबर सचिव हैं वर्तमान में जी सर। कौन से वार्ड से हैं? हम 9 नंबर वार्ड से हैं, मानपुर से। 9 नंबर वार्ड से हैं। चलो ये बहुत बढ़िया हुआ, हमारे बीच में 9 नंबर वार्ड से सचिव भी हैं। बताइए सर, सबसे पहले तो हम आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में जाने, तो कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की आपने? जैसे सर 5 साल के कार्यकाल में जो हमारे मुख्य काम था नल जल गली नली, नल जल गली गली घर घर पहुंच चुका है। जी सर पहुंच चुका है हमारे। अच्छा, प्रधानमंत्री की तरफ आवास योजना जो काम था वो पूरा हो चुका है? नहीं सर, आवास योजना में जो भी हमारे पिछले प्रतिनिधि थे वो उसको पूरा लूट घसोट किया है। अच्छा। यानी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। अच्छा, आपके पहले जो जीत कर आए थे अभी भी जो हमारे वर्तमान में जो हमारे पास अभी मुखिया हैं, बोलिए ना सीमा देवी भी। अच्छा अच्छा, वो भी मैंने कि वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, कोई भी योजना सरकारी हो वो धरातल पर नहीं ला के उसको लूट घसोट कर दिया। अच्छा, मतलब वृद्धा पेंशन, इंदिरा पेंशन, जनता की पैसा लूट के जो है अभी लोगों के बीच में अभी बांटते हैं सीधा सीधी लोगों के बीच में। यहाँ से जब नॉमिनेशन होता है जनता का ही पैसा लूट को लोगों को लक्ष्मीपुर ले जाके खिलाया जाता है, मछली भात चलता है सीधा सीधी। मुद्दा कहेंगे कि स्वास्थ्य से बता रहे कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र डोमा मर्डर उसमें बोर्ड लगा है और करीबन 40 साल से जो है आज से 10 साल पहले हमारे गांव के नागेश्वर यादव प्रमुख बने थे, उन्होंने किसी व्यक्तिगत किसी ग्रामीण के हवाले सौंप दिया है। अच्छा चलिए बात करें हम समस्याओं की, तो अंबार पड़ा हुआ है, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे गिले शिकवे हमारे बीच में। मोहनपुर का मुखिया आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से मोहनपुर का मुखिया जो कि आज 17 साल से देश सेवा करके हमारे सुनील यादव, रेखा देवी उनकी पत्नी, वही मुखिया होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उनका अच्छा सोच है, वो देश सेवा किया है तो पंचायत का सेवा जरूर करेगा। चलो ठीक है, आपके हिसाब से मोहनपुर का मुखिया कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा विकास यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ लेकिन अब वो होना चाहिए, जो जनता की हर एक समस्या को समाधान करने की सक्षम रखे हमारे।